तो गाइज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लैश स्क्वाड रैंक के ऐसे कुछ हाइडिंग प्लेस बताने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद आप उसकी मदद से क्लैश स्क्वाड रैंक में अपना रैंक पुश कर सकते हो एंड बहुत जल्द हीरो ही जा सकते हो। तो अगर आपको सारे प्लेस के बारे में जानना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखना। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी फ्री फायर रिलेटेड इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा जो पहला ट्रिक है वो है केप टाउन में। एंड केप टाउन में जब इस साइड में आपका जोन बनता है क्लैश स्क्वाड रैंक में, तब आपको सीधी चले आना है इस घर के सामने जहाँ पे मैं हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इस डस्टबिन के सामने यहाँ पे ऐसे एक ग्लू वॉल लगा देनी है। एंड उसके बाद आपको अपना टीममेट को बोलना है यहाँ पे बैठने के लिए। एंड आपको अपना टीममेट की मदद से इस घर की छत पे चढ़ जाना है। एंड यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप एनिमी को मार सकते हो। तो इस क्लिप में देखो, मैंने इस एनिमी को हेडशॉट देके मार दिया एंड उसने मेरे को नहीं देखा एंड वो शायद पूरा सरप्राइज हो गया। तो यहाँ से आप अच्छे खासे टीममेट के लिए कवर भी दे सकते हो एंड आपको अच्छा खासा किल भी मिल जाएगा। तो ये प्लेस के बारे में आपको पता था कि नहीं मुझे कमेंट पे बताना। एंड मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये प्लेस ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि एक बहुत अच्छा ट्रिक है। तो गाइस हमारा जो सेकेंड ट्रिक है वो है फैक्ट्री में। एंड इसके लिए सबसे पहले आपको इस सीढ़ी की मदद से फैक्ट्री के पूरा ऊपर चले जाना है। एंड फैक्ट्री के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो ये रेलिंग रहता है, आपको यहाँ से कूद के इस रेलिंग के ऊपर चढ़ जाना है। तो ये ट्रिक बहुत लोगों को पता है एंड बहुत लोगों को नहीं भी पता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों के लिए बता दिया। तो गाइस अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड रैंक में ये ट्रिक यूज करते हो, जैसे देखो मैं कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, तो यहाँ से अगर आप एनिमी को मारोगे तो वो लोग आपको ढूंढते रह जाएगा कि कहाँ से बंदा मेरे को डैमेज दे रहा है। तो गाइस आप लोग इस क्लिप को बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो मैं छुप छुप के अपने नीचे वाले एनिमी को मार रहा हूँ एंड वो लोग मेरे को नहीं दिख रहा है। एंड ये मेरा ये क्लैश स्क्वाड रैंक की गेम प्ले है। एंड मैं जब क्लैश स्क्वाड रैंक खेलता हूँ तो मैं बहुत टाइम इसको यूज करता हूँ एंड आप लोग चाहो तो कर सकते हो। तो गाइस हमारा जो नंबर 3 ट्रिक है वो है क्लॉक टावर में। एंड क्लॉक टावर में जब क्लैश स्क्वाड होता है तो बहुत टाइम एनिमी क्या करता है, इस सीढ़ी के पीछे यहाँ पे छुप के कैम कर रहा है एंड जब आप लोग आओगे तो आपको मार देगा। बहुत टाइम यहाँ पे कैम करता है तो बहुत टाइम यहाँ पे वहाँ पे कैम करता है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, आपको सबसे पहले थोड़ा साइड से घूम के चले जाना है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। क्लॉक टावर की साइड में यहाँ पे जो छोटा वाला घर है, आपको इस घर के ऊपर चढ़ जाना है एंड सीढ़ी की मदद से। एंड जाने के बाद आपको इस रेलिंग के ऊपर जंप करके चढ़ जाना है एंड यहाँ से आपको जंप करके इस जीप लाइन के ऊपर चढ़ जाना है। तो जैसे जीप लाइन के ऊपर चढ़ जाओगे, आपको यहाँ से बहुत ध्यान से बैठ के थोड़ा मूवमेंट सही करके यहाँ पे जंप करके इस घर के ऊपर चढ़ जाना है। यहाँ से गाइस आप सामने वाले एनिमी को इजीली डैमेज देके खत्म कर सकते हो। तो गाइस मैंने ये क्लिप फुल मैप में इसलिए बनाया क्योंकि क्लैश स्क्वाड में वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फुल मैप में कर दिया जाए। हमारा जो फोर्थ ट्रिक है वो है पोचिनाक में। एंड पोचिनाक में इस साइड में जहाँ पे ये सीमेंटेड हाउस रहता है, जब यहाँ पे जोन बनता है तो आप अगर चाहो तो इस सीमेंटेड हाउस के ऊपर आके ऐसे एक वॉल लगा देना एंड उसके बाद और एक वॉल ऐसे लगाना, आप स्क्रीन में देख सकते हो जैसे मैं लगा रहा हूँ। इसके बाद आपको सीधे इस घर के ऊपर चले जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद जो उस साइड जहाँ पे आपने वॉल लगाया था, उस खिड़की से निकल के आपको इस वॉल के ऊपर चढ़ जाना है। यहाँ से आप वॉल के ऊपर चढ़ के सीधा इस वुडन के ऊपर चढ़ सकते हो। तो गाइस यहाँ से अगर आप सामने वाले एनिमी जो डबल डोर में कैम्प कर रहा है उसको मारोगे तो वो पूरा शॉक हो जाएगा। तो ये तो मैंने अपने कस्टम में दोस्तों को बुला के बनाया आप लोगों को बस दिखाने के लिए, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप क्लैश स्क्वाड रैंक या कस्टम कहीं पर भी ये ट्रिक कर सकते हो। तो गाइस हमारा जो लास्ट एंड फिफ्थ ट्रिक है वो है सेंटोसा में। एंड सेंटोसा में जब इस साइड में जोन बनते हैं तो आपको इसका सामने जो घर है आपको सीधा इस घर के ऊपर चले जाना है। एंड इस घर के ऊपर आने के बाद इस घर की जो एक खिड़की है, यहाँ से आपको निकल के इस घर के यहाँ पे ऐसे एक ग्लू वॉल लगा देनी है। उसके बाद आपको टीममेट को बोलना है कि यहाँ पे बैठने के लिए या खड़ा होने के लिए। एंड उसके बाद आपको अपना टीममेट के ऊपर चढ़ के यहाँ से जंप करके इस घर की छत पे चढ़ जाना है। एंड गाइस यहाँ से अगर आप चाहो तो आपका नीचे जो एनिमी है उन लोगों को बहुत अच्छे से इजीली मार सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देखो ये एनिमी खड़ा है एंड मैंने इसको मार दिया, इसके बाद थोड़ा इमोट भी दिखा दिया। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक। एंड जाने से पहले और एक बात, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड आपका एक सब्सक्राइब से एक मोटिवेशन मिलता है। एंड थोड़ा सा जो बैकग्राउंड नॉइस हो रहा था उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।